अस्सलामुअलैकुम। ये पहले जो था ये आप तौहीदाबाद नथिया गली में खड़े हैं, ये पहले नून लीग का बेल्ट था, तो अब ये जो है खान साहब की मलकियत है अल्लाह के फजल से। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये वो लोग नहीं है कि जो आप अमेरिका के सामने जाओगे या इंटरनेशनल किसी जगह पे जाओगे तो पहले गिलास पानी का खींचोगे, आपके अलग खुश होंगे, आपको सामने पता चलेगा कि हम अमेरिका के एक बड़े गुलाम है, इसके सामने हम बात करेंगे तो अपना हलक को जो है ना आप गिला करोगे फिर बात करोगे। खान ऐसे पानी पीकर बात नहीं करता है, वो डायरेक्ट बात करता है। तो ये खान साहब की मलकियत है, इंशाल्लाह लोगों में शहूर आ गया है, उनको पता है कि अगर हमें इन अदारों से, इन लोगों से अगर हमें कोई बचा सकता है, इन मुल्क की गुलामी से बचा सकता है तो वो एक खान है। हमें पता है कि खान अगर खुदा ने खास्ता खान भी इलेक्शन अभी जीत जाता है ना तो ये महंगाई ऊपर जाएगी, लेकिन इसकी हमें परवाह नहीं है। ये लोग नवाज शरीफ जीतेंगे तो महंगाई ऊपर जाएगी, पेट्रोल आप देख लेना कोई भी अगर इकदार में आता है ना तो ये चीज़ें सब ऊपर जाएंगी, लेकिन उसका हमें परवाह नहीं है। असल जो हमारा मसला है वो ये है कि किसी की आंख में आंख डालकर बात करने वाला लीडर हमें मिल जाए तो ये बस बड़ी बात है जी।